राम राम दोस्तों, मैं भगवान राम का वंशज अभय वीर आपका चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको राम मंदिर निर्माण कार्यों में अब तक कितना निर्माण हो चुका है उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करूंगा। यदि आप चैनल में नए हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पूरी आत्मीयता श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या में निर्माणाधीन दिव्य अलौकिक प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है एवं श्री राम जन्मभूमि में निर्माणाधीन दिव्य मंदिर में विराजित होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है और जिसका 500 वर्षों के लंबे त्याग बलिदान संघर्ष के बाद ही करोड़ों राम भक्तों का स्वप्न साकार होने जा रहा है एवं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से गठित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा के समय अयोध्या में दुनिया भर से करीब 5 करोड़ लोग आ सकते हैं एवं इतनी बड़ी संख्या में आए हुए श्रद्धालुओं को उचित सुविधा उपलब्ध कराना ट्रस्ट के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है एवं ट्रस्ट की ओर से देश भर के धर्माचार्यों के अलावा विश्व के 160 देशों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। राम मंदिर निर्माण कार्यों की संपूर्ण कार्य प्रगति की बात करें तो निर्माणाधीन संस्था लार्सन एंड टूब्रो के परियोजना निदेशक विनोद मेहता जी ने हमें जानकारी दी कि राम मंदिर के जो भूतल परिसर यानी ग्राउंड फ्लोर का जो निर्माण कार्य है वह अपने अंतिम चरण में चल रहा है एवं सभी मूर्तियों का जो निर्माण कार्य है वह रंग मंडप परिसर एवं बूढ़ी मंडप परिसर में लगभग पूर्ण होने की दिशा में बढ़ रहा है। सामने आपको गर्भगृह परिसर दिख रहा है जो कि राम मंदिर का सबसे पवित्रतम एवं देव स्थान माना जाता है और यहीं पर जो तांबे नुमा जो पाइप नुमा संरचना है यहीं पर रामलला की जो प्रतिमा है यहाँ स्थापित की जाएगी और इसके लिए युद्ध गति से श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में मूर्ति का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और इस गर्भगृह की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह इसका अष्टकोणीय होना है और अष्टकोणीय गर्भगृह के ठीक ऊपर 161 फीट ऊंचे शिखर का निर्माण कार्य किया जाना है। और इसकी जो सबसे बड़ी और विशेषता है कि यह गर्भगृह इसके ठीक 40 फीट नीचे रामलला टेंट में विराजमान थे। यह सभी राम भक्तों के लिए भावुक कर देने वाला क्षण है जब रामलला इतने सालों तक लगभग 30 से 35 वर्ष तक टेंट में विराजमान रहे। यह सभी राम भक्तों के लिए कष्टदायी विषय रहा लेकिन आज सभी का स्वप्न साकार हो रहा है और जैसे जैसे रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है वैसे ही गर्भगृह परिसर को भी भव्यता दी जा रही है। वैसे तो जनवरी में प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर दिव्य दर्शन देंगे लेकिन इसके पहले कुछ और कवायद श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा इसी गर्भगृह परिसर में की जा रही है और ऐसी योजना बनाई जा रही है कि मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन से पहले सभी राम भक्तों को पवन पुत्र हनुमान जी के दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे और इनके साथ ही भगवान गणेश की भी मूर्ति स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे, अर्थात धर्म नगरी अयोध्या में जब भी कोई राम भक्त राम लला के दर्शन करने आता है तो उसे सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन करना होता है एवं उसकी आज्ञा के बाद ही भक्तों को रामलला के दर्शन मिलते हैं। शायद यही वजह है कि अब भगवान रामलला के अनन्य सेवक हनुमान जी की भी मंदिर की स्थापना की जाएगी और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर में प्रवेश द्वार पर ही हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। और जब हम राम मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे यानी सिंह द्वार से आगे बढ़ते हुए विभिन्न मंडपों से बढ़ते हुए आपको कोली मंडप पर आना होगा और कोली मंडप वही मंडप है जहां सीधे आपको रामलला का गर्भगृह दिखाई पड़ेगा
यह एक छोटा सा मंडप है और इसी मंडप से लगभग 35 फीट की दूरी से आप सभी राम भक्तों को राम लला का दर्शन करना होगा और इसके लिए कोई भी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट वृहद स्तर पर तैयारी कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के चेयरमैन निपिन मिश्र जी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गर्भगृह परिसर से सभी राम भक्तों को रामलला के दर्शन में लगभग 3 से 5 मिनट का समय ही मिल सकेगा। यह समय और कम भी हो सकता है क्योंकि दिन प्रतिदिन लाखों की संख्या में जो भी श्रद्धालु रामलला का दर्शन करने गर्भगृह परिसर में आएंगे उनको यहाँ पर दर्शन उपलब्ध कराना, उनको बेहतर ढंग से रामलला के दिव्य दर्शन कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है। इसके लिए ट्रस्ट एवं निर्माण समिति गंभीरता से विचार कर रहा है ताकि किसी भी राम भक्त को रामलला के दर्शन करने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। दोस्तों, राम मंदिर के संपूर्ण निर्माण कार्यों के संबंध में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। प्रभु श्री राम को समर्पित इस चैनल में हमारे एक प्रिय सब्सक्राइबर ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि क्या हमें राम लला की प्रतिमा को छूने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह अवसर आपको नहीं प्राप्त हो सकता क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा यह तय किया गया है कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार गर्भगृह की पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था अति आवश्यक है और साथ ही हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार मंदिर के गर्भगृह में केवल उसके स्वामी और मंदिर के पुजारी को जाने का अधिकार होता है एवं उनकी प्रतिमा को छूना आसान कार्य नहीं है क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक सुरक्षा कारण भी जिम्मेदार हैं और आप सभी राम भक्तों को 35 फीट की दूरी से ही रामलला के दर्शन करने होंगे। और मैंने पूर्वत आपको जानकारी दी कि कोली मंडप परिसर से लगभग 35 फीट की दूरी से ही आप रामलला के दर्शन कर पाएंगे, अतः इसमें किसी भी प्रकार की संदेह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और इस पर मैं कुछ बड़े मंदिरों का उदाहरण भी आपको देना चाहूँगा कि इस समय भी देश के बड़े बड़े मंदिरों में भक्तों को गर्भगृह तक जाने की अनुमति नहीं होती है, चाहे वह तिरुपति बालाजी का मंदिर हो अथवा भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भी इसी प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन भगवान शिव के मंदिर इस मामले में अपवाद होते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि भगवान की शिव की पूजा में रुद्राभिषेक का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है जिसमें भक्त शिवलिंग को छूकर ही पूजा संपन्न करते हैं। ऐसे में बिना गर्भगृह में गए रुद्राभिषेक संभव नहीं है, लेकिन अन्य मंदिरों के गर्भगृह के बाहर दूर से ही देवी देवताओं के दर्शन की परंपरा व्याप्त है। इस संबंध में एक अतिरिक्त उदाहरण देना चाहूँगा कि जब भी आप अयोध्या के विश्व प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर का दर्शन करने जाएं, तो वहाँ भी ऐसी ही परंपरा रही है। यहाँ सभी हनुमान भक्तों को दूर से ही दर्शन करने का की सुविधा प्राप्त है और किसी को भी प्रतिमा छूने की व्यवस्था नहीं की गई है और सामान्यतया जो यहाँ के पुजारी हैं उन्हें ही प्रतिमा छूने एवं प्रसाद चढ़ाने का अधिकार प्राप्त होता है। सामान्यतया देव प्रतिमाओं की साज सज्जा उनकी साफ सफाई का कार्य भी सामान्यतया पुजारियों द्वारा ही संपन्न किया जाता है, अतः सभी भक्तों को दूर से ही प्रतिमा का दर्शन करना होता है और यह सामान्य तौर पर हिंदू परंपराओं में यह मान्यता रही है, अतः इसका हमें सच्चाई से पालन करना चाहिए। दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण कार्यों के संबंध में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पूरी आत्मीयता से जय श्री राम जरूर लिखें। उम्मीद है कि आपको प्रभु श्री राम की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद। राम राम। राम राम, राम।